तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि जो ये वाइट स्टूडियो पर अपडेट आया है लगभग एक महीने पहले, दोस्तों इस अपडेट में एक गड़बड़ी हो गई है। ये गड़बड़ी ये है कि दोस्तों जो वॉइस टाइम था तो वॉइस टाइम पहले मिनट में शो कर रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वॉइस टाइम पहले जो था मिनट में शो हो रहा था, तो हम कैलकुलेट कर लेते थे कि कितने मिनट में एक आवर बनता है, यानी कि एक घंटा बनता है। एंड दोस्तों हमें 4000 घंटे की ज़रूरत पड़ती है मोनेटाइजेशन के लिए। ओके दोस्तों, हमारा काम जो है बहुत ईजी था, हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन दोस्तों जो लगभग एक महीने पहले अपडेट आया, तो फ्रेंड्स अपडेट आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिलती है कि हम मिनट ही कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। जी दोस्तों, जो वीडियो होता है हमारा, तो उस पर जब तक एक घंटा नहीं हो जाता है, जब तक वहाँ मिनट शो नहीं होते हैं, केवल दोस्तों 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे कुछ घंटा शो करता है, जब तक एक घंटा कंप्लीट नहीं हो जाता है। एंड दोस्तों जब एक घंटा कंप्लीट हो भी जाता है, तो उसके बाद ही दोस्तों यही पॉइंट शो करते हैं अपने को, ना कि मिनट शो करते हैं। ओके दोस्तों, हमें अच्छी तरह से मतलब कि क्लियर कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि कितने घंटे कितने मिनट हुए। हमें घंटे का तो अनुमान लग जाता है, लेकिन हमें मिनट का अनुमान नहीं लग पाता है, मिनट का कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी दोस्तों इस तरह की लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा, तो आप तक मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मिनट वाली प्रॉब्लम है, यानी कि जो मिनट कैलकुलेट हम नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को पहले मैंने भी गौर नहीं किया था, क्योंकि दोस्तों मुझे ज़रूरत नहीं थी कैलकुलेट करने की। ओके, मेरे चैनल को वॉच टाइम जो है कम्प्लीट हो चुका था, तो मुझे टेंशन नहीं थी कि दोस्तों कौन सा वीडियो में कितना मिनट हुआ। लेकिन दोस्तों नए क्रिएटर होते हैं, जो नए नए आए हैं, एंड दोस्तों जब उनका वॉच टाइम कम्प्लीट नहीं होता, उनके वीडियोज़ नहीं चलते, दोस्तों एक एक मिनट की पड़ती है। क्योंकि दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा हुआ था पहले, जब मेरा वॉच टाइम कम्प्लीट नहीं हुआ था, दोस्तों मैं भी एक एक मिनट गिनता था। जब हम नए होते हैं यूट्यूब पर, तो हमारा वॉच टाइम कम्प्लीट नहीं होता, तो हम एक एक मिनट गिनते हैं कि यार कितनी जल्दी जो है हमारा चैनल रैंक कर जाए, ग्रो कर जाए, एंड दोस्तों हमारा कोई वीडियो वायरल हो जाए, ताकि हमारे चैनल को वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम एक एक मिनट गिनते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन दोस्तों जब मुझे कमेंट आनी शुरू हुई इस टॉपिक पर कि जो ये मिनट की प्रॉब्लम है, तो हमें कन्फ्यूजन है इस पर, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या फंडा है इसका। ओके, तो दोस्तों मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है आपको कैसे कैलकुलेट करना है अपने मिनट को। ओके तो फ्रेंड्स, जब आपका कोई वीडियो अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो दोस्तों उस पर जो वॉच टाइम होता है, तो कैसे कैलकुलेट आपको करना है, तो देख यूट्यूब स्टूडियो पर ही, यानी कि यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन पर ही घंटा शो हो जाता है। जैसे ही आपका वीडियो एक घंटा चल जाता है, तो एक घंटा शो होने लगता है। लेकिन दोस्तों एक घंटे से कम या फिर जब एक घंटा हो जाता है, तो उसके बाद मिनट की बात आती है। तो फ्रेंड्स, मिनट आपको कैसे करना है, तो दोस्तों मैंने क्या किया कि यूट्यूब का एक फॉर्मूला देखा था, तो गूगल में सर्च किया कि आखिर ये वॉच टाइम जो अपडेट होने के बाद कैसे कैलकुलेट होता है। तो वहाँ पर ये फार्मूला आया था, देख सकते हैं आप स्क्रीन में। ओके तो फ्रेंड्स, ये फार्मूला के मुताबिक मैंने भी एक कैलकुलेशन किया, तो दिन भर कैलकुलेशन किया दोस्तों, यार मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं गड़बड़ी ना हो जाए मुझसे, कि मैं अपने फॉलोअर्स को जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दूँ। हालांकि इसका जो सोल्यूशन है मुझे एक आध घंटे में ही मिल गया था सॉल्व करने के बाद। फिर दोबारा से इस प्रॉब्लम को उठाया एंड दोस्तों सोल्यूशन किया इसका। फिर दोस्तों मतलब कि दिन भर जो है इसे सॉल्व करने के बाद, फिर उनको क्लियर करने के बाद, फिर दोस्तों लास्ट में कहीं जाकर के मैंने दूसरे दिन वीडियो बनाया। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा था, उस दिन मैंने वीडियो ही नहीं बनाया। ओके तो फ्रेंड्स, दूसरे दिन यानी कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज से जो पिछला वीडियो है, तो एक दिन गैप हो गया, मेरा वीडियो नहीं आया है, तो इसी वजह से दोस्तों मेरा वीडियो नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, मेरे कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट निकल कर आया, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से निकल के आया है कि फ्रेंड्स जो दोस्तों पॉइंट होते हैं, जो आपने देखा होगा कि एक घंटे 1 पॉइंट, एक घंटे 1 पॉइंट, एक घंटे 2 पॉइंट, फिर दोस्तों घंटा कंप्लीट होने से पहले 0.1 पॉइंट, 0.1, 0.2, 0.3। ओके तो फ्रेंड्स, ये होता क्या है कि लगभग 360 सेकंड का। जी हाँ दोस्तों, देखिए आंकड़ा है, तो जो फॉर्मूला है, तो एवरेज ड्यूरेशन से ये वॉच टाइम आपका काउंट होता है। चूँकि एवरेज ड्यूरेशन क्लियर नहीं रहता है, निश्चित नहीं रहता है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है ना। इसी हिसाब से दोस्तों ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वर्क करता है, दोस्तों वॉच टाइम काउंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि इसमें लगभग 350 सेकंड का, यानी कि 360 या 300 सेकंड का, 350 सेकंड का, तो फ्रेंड्स लगभग 350 सेकंड का या 360 सेकंड का एक पॉइंट बनता है। ओके यानी कि मैं सीधे सीधे कहूँ तो लगभग 6 मिनट का एक पॉइंट बनता है। एंड तो जब 10 पॉइंट हो जाते हैं आपके घंटे वाली लाइन में, ओके जो कि जहाँ वॉच टाइम आवर्स में तो होता है, तो दोस्तों जब वहाँ 10 पॉइंट हो जाते हैं, यानी कि 10 पॉइंट हो जाते हैं, तो वहाँ आपका एक घंटा कैलकुलेट हो जाता है। ओके लेकिन दोस्तों जब आप देखते हैं कि 0.1, 0.2, 0.3, तो इसका मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये होता है
यदि 0.1 है इसका मतलब है कि आपके जो है 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं उस वीडियो पर। एंड दोस्तों यदि 2 पॉइंट है यानी कि 0.2 है यानी कि 2 है तो इस पर आपका मतलब निकाल सकते हैं कि इसका मतलब है कि आपका वीडियो जो है 10 से 12 मिनट चल चुका है। एंड दोस्तों यदि 0.3 है तो इसका मतलब है कि आपका वीडियो जो है 15 से 18 मिनट चल चुका है। ओके तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।